नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनवा लिटरेचर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले जो बर्ज यूनिवर्सिटी के रिवोल्यूशन फोरम 2021 वाले हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, साथ साथ रिटोटलिंग फोरम भी हम बताने वाले हैं आपके। तो रिवोल्यूशन फोरम कैसे अप्लाई करना है ये बताएंगे, और साथ साथ बताने वाले हैं कि पेमेंट कैसे करें, लास्ट डेट क्या है, फीस कितने रहने वाली है एक सब्जेक्ट की, सब डिटेल से शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जी फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा और सर्च बार में आपको टाइप करना होगा msbu एग्जाम डॉट इन। जी फ्रेंड्स, उसके बाद में आपके सामने आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप। थोड़ी सी स्टेप है ये, थोड़ा सा टाइम लेती है, बट उसके बाद में आ चुके हैं रेवलेशन फोरम। यहाँ पे देख सकते हैं रेवलेशन फोरम 2021 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे रेवोल्यूशन फोरम और रिटोटलिंग फोरम, परंतु यहाँ पे अभी रेवोल्यूशन फोरम का ही ऑप्शन आया है, रिटोटलिंग का ऑप्शन नहीं आया है। रिटोटलिंग भी आपको यहीं से करना है। तो यहाँ से आप अपना रोल नंबर, आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप करना होगा। तो गाइस, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे टाइप आ जाएगा, उसके बाद में फिल फॉर्म करेंगे। मैं यहाँ पर रोल नंबर टाइप करता हूँ, जी फ्रेंड्स आपने जब ये रोल नंबर टाइप किया उसके बाद फिल कर दिया होगा। फिल करने के बाद में आपके सामने आ चुके रिवोल्यूशन फोरम तो BA जो पार्ट है फाइनल इसकी आ चुकी है। जो भी आपके होंगे अपने अपने रोल नंबर लगा के यहाँ पे चेक कर लेना। उसके बाद में आपका स्टूडेंट का नेम आ चुका है, फादर्स नेम रहेगा यहाँ पे, मदर्स नेम रहेगा, चेक कर लेना सभी। कॉलेज नेम है, उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट है जहाँ पे आप रिवोल्यूशन लगाना चाहते हैं, तो हिंदी लिटरेचर में लगाना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, जो भी है यहाँ पे आपको टिक करना होगा। जैसे मैं एक सब्जेक्ट पे यहाँ पे टिक करता हूँ या दो पे कर लेता हूँ, बट इनमें से रिवोल्यूशन किसी में भी नहीं है, बट वैसे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे रो नंबर, क्लास, ईयर जो भी आपके हैं वो आ चुके हैं आपके सामने। एड्रेस आ चुका है आपका, एड्रेस आने के बाद में गाइस यहाँ पे देख रखा है प्रोसेस फॉर फीस, तो प्रोसेस फॉर फीस पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है, आपके फ़ोन नंबर आ चुके हैं और रिवोल्यूशन का टाइप आ चुका है, फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी है आ चुका है। मदर्स नेम यहाँ पे लगेगा, फादर्स नेम यहाँ पे, खुद का नाम यहाँ पे, कॉलेज आपकी, और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 250 रुपये रहने वाली है। टोटल फीस है 250, यानी कि एक सब्जेक्ट की 150 रुपये है, और कुल मिला के जो अदर सब्जेक्ट आप भरेंगे तो उसके 100 रुपये, फिर बाद में 50 रुपये तो आपके पहले शुरुआत में लेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस तो लेंगे 50 रुपये, 100 रुपये आपकी एक विषय की सब्जेक्ट रहेगी कुल मिला के। जैसे आपने एक सब्जेक्ट भरी तो 150 रुपये, दो भरेंगे तो आपको 250 रुपये, यानी कि अगले जो भी सब्जेक्ट भरेंगे आप तो उसके 100 रुपये लगने वाले हैं। और लास्ट डेट इसमें अभी दे रखा नहीं है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया लास्ट डेट का, बट आपकी आपकी लास्ट डेट अभी तो रहने वाली है 10 या 15 दिन के आसपास रहेगी। नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा लास्ट डेट का। तो यहाँ से जो आपकी सब्जेक्ट वो आ चुकी है, उसके बाद प्लेस चॉइस पेमेंट ऑप्शन से यहाँ पे करेंगे कि ICPG, तो उसके बाद पेमेंट पे दबाएंगे। तो पेमेंट आप किससे करना है ये देख लीजिए यहाँ पे, यदि नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट UPI किसी से भी कर सकते हैं आप। जैसे नेट बैंकिंग से आपने पेमेंट करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करके ये पेमेंट आप कर सकते हैं, बट आज डेबिट कार्ड से भी आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो गाइस, से पेमेंट करते समय सावधानी रखिए, और पेमेंट जैसे आपने पेमेंट किया उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका फॉर्म खुलने वाला है, क्लिक एयर का वो एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपका ऑप्शन है यानी कि जो आपके PDF सहित पेपर आपका जो फॉर्म है वो भी खुलेगा, बट किसी प्रकार के कोई भी आपको कुछ भी दबाना नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फोरम से संबंधित पहले फोरम को ध्यान से भरना है, गलती नहीं करनी है। थैंक यू।